चलिए धाकड़ कॉन्सेप्ट के धाकड़ प्लेटफॉर्म पे सभी धाकड़ स्टूडेंट्स का स्वागत है। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में, कुछ प्रश्नों के साथ में। देखेंगे पहला प्रश्न। चलिए, हाल ही के अंदर हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली वॉन 2020 डाल्टन लिटरेरी पीस प्राइज। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये जो 2020 डाल्टन लिटरेरी पीस प्राइज है, ये किस चीज में दिया जाता है? ये एक तरीके से जो हमारा साहित्य है, जो हमारा लिटरेसी है, जो हमारा लिटरेचर है, वो किस तरीके से वर्ल्ड पीस और साहब वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से शांति और प्रॉस्पेरिटी को साहब प्रमोट करता है, उसे एक तरीके से बढ़ावा देता है, उस हिसाब से साहब ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति को दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो साहब ये किसे दिया गया है, इनका नाम देखेंगे, इनका नाम है मार्गरेट एटवर्ड। अब ये तो मार्गरेट एटवर्ड है, ये लेडी है, इन्हें 2020 का डाल्टन लिटरेरी पीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये एक तरीके से प्राइस है, वो सेलिब्रेट करता है पावर ऑफ लिटरेचर के साथ, साहित्य कितना पावरफुल है और साहित्य की पावर के साथ में किस तरीके से हम वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड पीस, सोशल जस्टिस और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, यानी साहब किस तरीके से, देखो किताब, नॉलेज और साहित्य, कई बार साहब एक इंसान को एक इंसान की बात या साहब एक देश की बात या एक तरीके की बात दूसरे व्यक्ति को साहब समझाने के अंदर साहब आसानी होती है, एक कहानी के द्वारा या फिर एक किताब के द्वारा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कई लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर दूरियां भी कम कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा माध्यम हुआ करता था पहले के टाइम पे, जब साहब किताबों का चलन बहुत ज्यादा था, इतना टीवी और इतना प्रिंट मीडिया नहीं था दोस्तों, ठीक है। चलिए, जय श्री बच्चे, जय श्री। अब नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन has renamed the Fed Cup as, देखो जो अंतरराष्ट्रीय साहब टेनिस फेडरेशन है, उसने हाल ही के अंदर अपना जो फेड कप है उसका नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया है? तो इसका आंसर बताएंगे मेरे को जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा अगर मैं बोलूं तो साहब, बेली जीन किंग कप। दोस्तों ये बेली जीन किंग कप क्या, ये एक वो लेडी थी या ये एक वो औरत थी यूएस की थी, जिसने साहब एक तरीके से बहुत ज्यादा योगदान दिया था साहब अमेरिका या फिर यूएस की, अगर मैं बात करता हूं इसकी टेनिस फेडरेशन के अंदर। ये बकायदा वो लड़की थी जिसने पहले कुछ खिताब, कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे अमेरिका के इतिहास के अंदर, जो उससे पहले किसी लड़की ने साहब टेनिस के अंदर नहीं बनाए थे। इसलिए इनके नाम पे साहब ये कप का नाम चेंज कर दिया गया है। द टेनिस फेडरेशन हैज रीनेम्ड फेड कप एज बिली जीन किंग कप। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, अगर टेनिस की इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ITF के तो हेडक्वार्टर है दोस्तों लंदन यूके के अंदर। इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो कुल है साहब 211 मेंबर्स है। ऑफिशियल लैंग्वेज की या फिर राजकीय भाषा की बात करेंगे तो इंग्लिश है। इसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो डेविड हेगर्टी, ये साहब इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे रक्षा क्षेत्र में, नई प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति के अनुसार FDI की सर्वोच्च मार्ग डैश तक अनुमति है। अकॉर्डिंग टू द न्यू FDI इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन डिफेंस सेक्टर, FDI इज अलाउड टू डैश थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो हाल ही के अंदर देखो, FDI का मतलब क्या होता है, मैं FDI का मतलब ये बताता हूं कि सीधा अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं, इस कंपनी का नाम है ABC और वो कंपनी साहब भारत के अंदर निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि वो कंपनी बाहर की है, हिंदुस्तान की नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्योंकि वो कंपनी बाहर की है, हिंदुस्तान की नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आके निवेश करती है, गुड मॉर्निंग, तो वो हिंदुस्तान में आके निवेश करती है, बहुत बढ़िया अंशु। तो अगर वो हिंदुस्तान में आके निवेश करती है दोस्तों, तो वैसी परिस्थिति के अंदर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग, धन्यवाद दीपक सोलंकी जी। चलिए अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर गुड मॉर्निंग बच्चे। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, अगर हिंदुस्तान में आके निवेश करती है वो कंपनी, तो वैसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है, बाहर की कंपनियां अगर हिंदुस्तान में आएगी, अगर प्रत्यक्ष रूप से खुलेआम अगर आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हिंदुस्तान की पहले कंपनियां काफी कमजोर हुआ करती थी तकनीकी मामलों में। तो यहां पर समझना पड़ेगा, भारतीय सरकार ने बाहर की कंपनियों पर कुछ रोक लगा रखी थी और बोल रखा था, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग पूनम, तो उन लोगों को बोल रखा था कि भैया तुम इससे प्रतिशत ज्यादा या फिर इतने परसेंटेज से ज्यादा तुम साहब भारत के अंदर साहब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तुम भारत में नहीं आ सकते, तुमको टाई अप करना पड़ेगा भारत की किसी और कंपनी के साथ में। तो जैसे आपने देखा होगा, मारुति ने साहब किसके साथ टाई अप किया था, सुजुकी के साथ में। हीरो ने किसके साथ में टाई अप किया था, होंडा के साथ में। लेकिन देखो होता क्या, मोदी जी ने साहब पॉलिसी एक तरीके से रिवर्स करी है, बाहर से देशों गए हैं, कंपनी को बोला है कि भैया आप हिंदुस्तान में आओ और हिंदुस्तान में आके ही साहब चीजों का उत्पादन करो, क्योंकि जितनी चीजों का साहब हिंदुस्तान में उत्पादन होगा, उतने ही साहब जॉब्स या फिर नौकरियां हिंदुस्तान में बनेगी। सेम वही कॉन्सेप्ट क्लास क्यों नहीं होती है बच्चे, होगी शायद दिनेश सर की, अगर नहीं होगी तो मैं आपको पूछ के बता दूंगा, ठीक है, मैं पता करके बता दूंगा कल तक। चलिए, होगी आज,
चलिए आज होगी बच्चे। अब अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे क्षेत्र के अंदर तो एफडीआई को साहब इंक्रीज कर, तो पहले ऐसे कंपनियां टाइप करती थी, लेकिन अभी मोदी जी की बात यह है कि क्यों ना भारत में दूसरी कंपनियों को लाया जाए, भारत में लेबर सस्ता है और बाद में यहीं से साहब कंपनियां उत्पादन करके दूसरे देशों में अपना माल बेच दे, जिससे हमारे देश के अंदर रोजगार बढ़ जाए और बाहर से जो डॉलर है अमरीकी डॉलर वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा आ जाए। तो यहां पर क्या किया, देखो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी साहब यहां पर गुड मॉर्निंग बच्चे, तो यहां पर एफडी अलाउड कर दिया है, कितना 74% डिफेंस सेक्टर के अंदर अलाउड कर दिया। देखो अगर बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, अब देखो यहां पर एक और चीज बताता हूं, हमारी सरकार ने 74% साहब एफडीआई अलाउड कर दिया है। इसका मतलब है अगर कोई बाहर की कंपनी है दोस्तों तो वो साहब जब हिंदुस्तान में आएगी तो उसे 26% के लिए साहब कोई हिंदुस्तानी पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, 74% के लिए हिस्सेदारी उसकी, ठीक है, और 26% वो किसी हिंदुस्तानी पार्टनर के साथ में मिलकर अपनी कंपनी साहब यहां पर चला सकती है और निवेश कर सकती है। अब अगर बात करते हैं द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये साहब एक तरीके से इन्होंने संशोधन करके इस बिल में अमेंडमेंट कर दिया। अच्छा, ये लाइसेंस 74% के लिए दे दिया और सरकारी रूट। अब देखो गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रूट का मतलब ये होता है कि साहब एक देखो दो तरीके से रूट होते हैं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एफडीआई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक होता है दोस्तों डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट रूट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप सीधा हो हिंदुस्तान के अंदर, सीधा आगे निवेश कर दो, सीधा इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी प्रकार से सरकार की परमिशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए, मेहनत का फल और समस्या हल्देर की सही मिलती है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल मिलती है। चलिए अब डायरेक्ट की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मतलब सीधा आप उस देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, तो उस देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट रूट की, तो गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रूट का मतलब होता है कि साहब अगर आप उधर जा रहे हैं सरकार के द्वारा जा रहे हैं तो बकायदा आपको सरकार की और आरबीआई की साहब परमिशन उस केस के अंदर लेनी पड़ती है दोस्तों। और डिफेंस सेक्टर में आपको पता है अगर हम खुली परमिशन दे देंगे तो किस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर डिफेंस की अगर मान लो फैक्ट्रियां खुल गई तो बकायदा वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएगी साहब, जो डिफेंस वाला माल है वो आम बाजार में बिकने लग जाएगा, इसलिए इसे साहब गवर्नमेंट रूट के द्वारा ही भेजा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, अब देखो और कौन से रिफॉर्म किए थे साहब डिफेंस सेक्टर में, तो हमने और भी रिफॉर्म किए थे। बकायदा हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने ये कह दिया था कि साहब हम जो सामान खरीदेंगे वो साहब इंडिजिनसली डेवलप्ड ही खरीदेंगे। इसका अर्थ है दोस्तों कि साहब हिंदुस्तान में साहब मैन्युफैक्चर्ड सामान ही हमारे द्वारा खरीदा जाएगा, हम बाहर से एक तरीके सामान लेके खरीदेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ये कई सारे साहब ऑर्डिनेंस किए थे इन्होंने, कई सारे लेके आए थे, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये साहब रिफॉर्म किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे हाल ही के अंदर, देखो एक बहुत बड़ी न्यूज मैंने ये बताई थी। सर दीपक सर क्लास कब, कब की क्लास कब है बच्चे, मेरे हिसाब से मेरे बाद में ही है, ठीक है। चलिए सर पॉलिटी का मैं बता दूंगा बच्चे, इसका ही पूछ के बता दूंगा मैं। चलिए अब देखो यहां पर बात करते हैं एक देश, इसका नाम है चाइना। हमें पता है चाइना ने एक बहुत ही बड़ा एक वॉर शुरू किया था, इसका दोस्तों नाम क्या था, हाइब्रिड वॉरफेयर दोस्तों। हाइब्रिड वॉरफेयर की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, चाइना ने। और यहां पर हमारे देश, सर पॉलिटी चलिए पॉलिटी की क्लास, मैं भी दाखिल कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट हूं सर, बढ़िया बच्चे बढ़िया सर पॉलिटी। चलिए अब देखो यहां पर क्या हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं, तो चाइना कौन सा वॉरफेयर कर रहा है हाइब्रिड, चाइना सारी की सारी इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान से ले रहा है ताकि साहब कल को उसको जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से ही वो साहब एक्ट करेगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो चाइना जो है, चाइना ने साहब ऐसा किया हिंदुस्तान पे, कई सारे देशों, कई सारे हमारे बड़े बड़े आर्मी अफसर, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, यानी साहब हमारे राजनेता तक, इन सब के ऊपर साहब उसने स्पाइंग की और कम से कम 10,000 छोटे बड़े संस्थानों के ऊपर भी उसने स्पाइंग की। बहुत बड़ा इसने चाइना ने काम कर दिया अभी हाल ही के अंदर। तो मोदी सरकार जो हमारी भारत की सरकार है उसने भी फिर एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी के गठन से वो ये जानना चाहते हैं कि साहब भैया यहां पर ये किस तरीके से स्पाई रैकेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहां पर किस व्यक्ति की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया है। तो यहां पर हम देखेंगे सरकार ने अभी यहां पर जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रजनीश पंत है इनकी साहब अध्यक्षता के अंदर यहां पर इन्होंने ये कमेटी गठित करी है जिसके हिसाब से ये क्या करेंगे, ध्यान देंगे किस तरीके से हम स्पाई रैकेट को, देखो अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो चाइना अपना स्पाई रैकेट और फैला देगा। जैसे आपने भी थोड़ा बहुत न्यूज में भी देखा होगा कि हाल ही के अंदर एक आदमी पकड़ा गया है, कुछ शर्मा करके उस व्यक्ति का नाम है और वो पकड़ा गया, उसके साथ में एक नेपाली व्यक्ति भी पकड़ा गया है और उसके साथ में एक चाइनीज आदमी भी पकड़ा गया है। जो और साहब जो ये शर्मा करके व्यक्ति पकड़ा गया था, बकायदा एक न्यूज़पेपर है, एक साहब न्यूज़ आर्टिकल है जिसका नाम है द प्रिंट या द क्विंट, क्विंट करके गाता है एक न्यूज़पेपर, उसके अंदर बकायदा वो सब जर्नलिस्ट था और वहां पर उसमें बकायदा ऐसे लिखता था और उसे ऐसे लिखने के लिए बकायदा चाइना की सरकार पैसा दिया करती थी और उसे हाल ही के अंदर भारतीय सरकार ने पकड़ा।
बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। तो यहां पर देखो, यहां पर चलिए, अब यहां पर ऐसा पकड़ा गया, अब इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये हो रहा है कि चाइना एक हाइब्रिड वॉरफेयर खेल रहा है दोस्तों। उसे ये पता है कि सरकार की रणनीति क्या है और वो उस अकॉर्डिंग ही दूसरी जो ये साहब न्यूज़पेपर के अंदर प्रोपेगेंडा के अंदर ये दूसरी चीजें अकॉर्डिंग ही करता है, यानी हिंदुस्तान को अपने इशारों पर निचाना चाहता है दोस्तों चाइना। ये सारी इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने समिति बनाई है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। तो साहब यहां पर हाल ही के अंदर सरकार क्या कर रही है, देखो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, हमारे देश में समस्या है कि सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब काम तो सारे हैं, सिस्टम तो सारे हैं, लेकिन वो सही व्यवस्थित ढंग से दोस्तों है नहीं। तो यहां पर एक जम्मू कश्मीर में एक साहब यहां पर पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसके हिसाब से होगा क्या, इसके हिसाब से होगा ये दोस्तों के साथ जितने भी जो साहब एक तरीके से जमीन की बिक्री और जो साहब सेल, जो जमीन की बिक्री है, सेल है और खरीद है, इसको एक तरीके से बहुत आसान कर दिया है। पहले आपको जम्मू कश्मीर में अगर मान लो जमीन खरीदनी है तो दोस्तों उसका बहुत एक लंबा प्रोसीजर हुआ करता था जिसमें यह हो सकता है कि साहब आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन लग जाते। यहां पर सरकार ने यह किया है कि आप सीधा जाएंगे और साहब इंटरनेट के द्वारा साहब कुछ ही घंटों के अंदर आपकी पूरी की पूरी जो सेल डीड है उसे कंप्लीट कर देंगे। तो यहां पर जमीन का खरीदना और बेचना बहुत आसान कर दिया है। तो ये कौन से राज्य के अंदर किया गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर में किया गया है। और यहां पर किससे संबंध रखता है, सेल परचेज ऑफ लैंड। तो साहब यहां पर यह है तो नेशनल ये डॉक्यूमेंट जो है ये साहब जमीन की खरीद और बेच से संबंध रखता है जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए चलिए इक्वल रखो, चलिए चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। धाकड़ कॉन्सेप्ट का कोर्स है, बैंक का साहब 6000 का, एसएससी का 6000 का, पटवार का 4000 का, एयरफोर्स का 3000 का, कांस्टेबल का 2000, रेलवे 3500। जिस भी बच्चे को तैयारी अवेल करनी है तो प्लीज देखें। तो ये साहब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों, इसका नाम है मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा ने साहब यहां पर ही नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की एक तरीके से शुरुआत की ताकि जम्मू के, देखो जम्मू कश्मीर दोस्तों पहले क्या था, किसी भी प्रकार से आप यहां पर क्या जमीन खरीद नहीं सकते थे, जमीन बेच नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल था। सरकार ने अभी से क्या कर दिया, थोड़ा सा आसान कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर। अच्छा अब यहां पर अगला क्या हुआ है? देखो हमारे देश के अंदर, मैं बच्चों दोस्तों तुमको एक चीज बताता हूं कि हमारे देश के अंदर डीजल और साहब पेट्रोल की जो कारें और साहब जो गाड़ियां होती हैं वो बकायदा चलती हैं, लेकिन साहब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग इतनी प्रेफर नहीं करते हैं दोस्तों। इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता, गुड मॉर्निंग बच्चे, दोस्तों इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल के इंजन होते हैं दोस्तों काफी मजबूत होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं। ठीक है, अच्छा एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक इंजन बहुत ही स्ट्रांग बनाती है, इस कंपनी का नाम क्या दोस्तों, टेस्ला। लेकिन इसकी गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी आती है, अमेरिका और चाइना और जापान में ही थोड़ी बहुत बिकती है। अगर मैं बात करता हूं हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के अंदर यहां पर तो साहब हिंदुस्तान की सरकार क्या करती है, हिंदुस्तान की सरकार को अगर इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती है तो इससे दो फायदे हैं दोस्तों। एक, उन्हें दूसरे देशों से पेट्रोल खरीदना नहीं पड़ेगा, और दूसरा एनवायरमेंट और पोल्यूशन के अंदर कमी आ जाएगी जिस वजह से उनको साहब जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उस पर पैसा खर्चने की कम जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अब यहां पर क्या किया गया, तो यहां पर जो हमारी गुजरात की सरकार है इसने एक तरीके से सब्सिडी दी है, किस पे साहब, जो थ्री व्हीलर्स हैं या फिर टू व्हीलर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उससे इन्होंने क्या दी है, सब्सिडी दी है। बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। तो डी इसका आंसर है दोस्तों, दो पहिया और तीन पहिया वाहन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो इस पे सब्सिडी दी गई है। तो यहां पर ये साहब एक तरीके से गुजरात की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 12,000 रुपए 9th क्लास के स्टूडेंट्स को इत्यादि। गुजरात की बात करेंगे तो इसके चीफ मिनिस्टर है दोस्तों विजय रूपानी, गवर्नर की बात करेंगे आचार्य देवव्रत। चलिए दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा फैक्ट्स अबाउट गुजरात, अगर गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, देखो मैंने दो राज्य बताए हैं, कौन कौन से दो राज्य, एक राज्य का नाम है दोस्तों यहां पर ये सऊदी अरब और ये अफ्रीका। तो दो राज्य हैं दोस्तों, ये एक राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। ये दोनों ही राज्य के साथ में बहुत ज्यादा व्यापार अरबी लोग करते थे, तो व्यापार के संदर्भ से भी ये साहब राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ही नहीं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, ये दो बड़े शहर थे जो उस समय भी साहब बड़े बंदरगाह के रूप में काम में लिए जाते थे। अगर मैं बात करूं यहां पर कोस्टल सिटीज जैसे कि साहब भरूच और कंभार, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट है। आज से ही नहीं, भरूच की बात करें तो आज से ही नहीं दोस्तों, मौर्य काल से, यानी साहब कई 100 साल पहले से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमको पता है अरबियों के साथ व्यापार करते थे, हमको ये भी पता है कि साहब यहां पर कौन सा है नेशनल पार्क है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क साहब यहां पर है, जहां पर एक बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर गिर साहब लायंस पाए जाते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मैं बात करूं साहब फेस्टिवल्स, गुजरात के अंदर दोस्तों त्यौहार कौन से होते हैं? पहला है रण उत्सव, ये साहब कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होता है। इंटरनेशनल काइड फेस्टिवल, जिसे हम उत्तरायण भी बोलते हैं, बहुत ही फेमस होता है गुजरात के अंदर, लोगों को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं इसे। अहमदाबाद में शामजी फेस्टिवल, ये साहब अरावली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। भावनाथ महादेव मेला, भावनाथ टेम्पल दोस्तों जो किधर है, जूनागढ़ के अंदर है। अगर महादेव डांस फेस्टिवल, ये सन टेम्पल मोदेरा के अंदर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें अगर डांस की बात करें तो डांडिया और गरबा दोस्तों सबको पता ही होगा, भावल, डांडिया, गरबा, पधार और तिपानी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है गुजरात के। अगर बात करते हैं कौन से नेशनल पार्क्स है, तो गिर नेशनल पार्क, जमदम्बोड़ा नेशनल पार्क, जसोरे, स्लोथ बियर, कच्छ ग्रेट इंडियन बास्टर्ड सेंचुरी, नलसार बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है गुजरात के। गुजरात दोस्तों हाल ही में न्यूज में क्यों था? हमने ये देखा था कि साहब गुजरात इसलिए हाल ही में न्यूज था क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, सर धन्यवाद बच्चे, अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो सर्वाधिक एक्सपोर्ट कौन से राज्य ने किया था? गुजरात ने किया था। वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंडेक्स के अंदर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले ऊपर राज्य कौन सा था? गुजरात। दूसरी, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो वहीं हमने देखा था सर्वाधिक एक्सपोर्ट अगर किसी ने किया है, यानी साहब निर्यात अगर किसी ने किया है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। अगर हम बात करते हैं हमारे साहब गुजरात के अंदर अक्टूबर 31 दोस्तों महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी से, बर्थ एनिवर्सरी से संबंधित है, यानी साहब इस दिन इनका जन्मदिन होता है। और यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहां पर जन्मदिन के दिन ये यहां पर गुजरात के अंदर सी प्लेन सर्विसेज की शुरुआत करेंगे। इसका मतलब यह है, हमें पता है कि गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, यानी एक तरीके से स्टैचू बनाया गया सरदार पटेल का, और वहां पर उस डैम के आसपास एक तरीके से उन्होंने सी प्लेन, यानी साहब समुद्र में जो जहाज चलते हैं, उनकी सर्विसेज की भी शुरुआत की घोषणा करी अक्टूबर 31 को करी। देखो सरदार पटेल कौन थे? ये भारत के लोह पुरुष थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया थे, और ये वो व्यक्ति थे जिन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन्होंने पूरे देश का एकीकरण किया था दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे एकीकरण विश्व में और भी जगह हुए हैं, लेकिन खून के बेसिस पे हुए हैं, तलवार के बेसिस पे हुए हैं, लेकिन यहां पर सरदार पटेल वो व्यक्ति है जिन्होंने एक तरीके से क्या किया, एक तरीके से प्यार मोहब्बत से पूरा का पूरा गुजरात को एक कर दिया दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात एक तरीके से एक्सपोर्ट इंडेक्स में पहला था नीति आयोग के द्वारा। गुजरात के अंदर साहब सबसे बड़ी बनस डेयरी बन रही है दोस्तों। हमें पता है कि साहब अमूल डेयरी है साहब वहां पर गुजरात में, जो कि साहब दूध का उत्पादन बहुत करती है, लेकिन जो गोबर बच जाता है उसका इस्तेमाल इतना बहुत कम होता है गुजरात में। तो यहां पर इन्होंने ये स्कीम निकाली है, क्यों ना उसी गोबर से हम क्या बना ले साहब गैस बना दे, और एक तरीके से उसी गैस को बाद में फिर घरों में एक्सपोर्ट कर दे। क्योंकि देखो गुजरात के अंदर होता क्या है दोस्तों कि वहां पर गैस सिलेंडर थोड़े कम बिकते हैं, वहां पर हर घर के अंदर गैस का दोस्तों कनेक्शन है, यानी साहब एक तरीके से पाइपलाइन से सरकार ने पूरे ही शहर को गैस के कनेक्शन से जोड़ा हुआ है, और जो टंकियां होती है गैस की वो कम जाती है, पाइप के थ्रू ऑटोमेटिकली घर के अंदर गैस पहुंच जाता है। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं साहब, एशिया की लार्जेस्ट बनस डेयरी बना रहे हैं, जिसके अंदर ये क्या करेंगे, एक तरीके से सीएनजी बनाएंगे, किससे, जो गोबर होता है उससे सीएनजी का निर्माण करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर। अब ये एक नेक्स्ट न्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च आईएलडी लीड 2.0 टू बूस्ट कंज्यूमर सर्विसेज। देखो ये सबसे पहले प्रोग्राम का मतलब क्या है, नर्मदा के पास है बिल्कुल, ये प्रोग्राम का मतलब क्या, ये कंज्यूमर एक्सपीरियंस या फिर जो कस्टमर एक्सपीरियंस है। देखो होता क्या दोस्तों, मैं तुमको ये चीज समझाता हूं, अगर तुम साहब किसी चीज को खरीदना चाहते हो और साहब तुम्हारे दिमाग में उसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तुमको लेके साहब एक तरीके तुम किसी मॉल में जाते हो और वो बोलता है कि भैया मेरे पास सिर्फ ये दो ही जूते हैं, तुमको जूते खरीदने हैं, तुम्हारे पास में अब चॉइस कम है, कलर वैरायटी उसके पास में नहीं है, लेकिन तुमको खरीदने हैं तो तुमने खरीद लिया उसमें से। लेकिन अगर तुम जाओ वहां पर, तुम्हें अलग अलग प्रकार की वैरायटी मिले, तुम्हें वो अच्छे से सर्विसेज दे, तुम्हें वो ये बताए कि साहब तुम्हारे हिसाब से तुम जिस तरीके कपड़े पहनते हो उस हिसाब से कौन से जूते ज्यादा अच्छे हैं, और अगर तुम जो तुमको अगर मान लो अगर जूते पसंद आ रखे हैं और आसपास अगर कहीं पर नहीं मिल रहे और तुम उसे बताते हो भैया ये जूते हैं, तो वो तुमको वैसे ही जूते निकाल के दे दे या वैसे जूते अवेलेबल करा दे। तो एक तरीके से खरीदने का भी दोस्तों एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर भी आता है तो उसे एक अच्छे एक तरीके एक्सपीरियंस से जाता है। तो जब ये साहब कस्टमर किसी जगह पर जाता है और उसकी खरीदी को साहब वहां पर वो जो अगला आदमी है बहुत ज्यादा आसान कर देता है, अच्छा कर देता है, तो उसे अपन बोलते हैं दोस्तों कंज्यूमर एक्सपीरियंस।
अब होता क्या है, और देखो याद रखना, जहां पर कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, जिस होटल में सर्विसेज ज्यादा अच्छी होगी, अच्छे से खाना परोसेंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे, तो जिस जगह गालियां देंगे वहां पर लोग नहीं जाएंगे। जहां पर एक्सपीरियंस अच्छा होता है लोग वहीं पर वापस जाना पसंद करते हैं। तो यहां पर इन्होंने एक तरीके से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है आई लीड 2.0। तो मुझे बताएंगे हाल ही के अंदर कौन से बैंक ने आई लीड 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत करी है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर है दोस्तों कैनरा बैंक ने साहब इसकी लॉन्च की शुरुआत करी है। ये और कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके कस्टमर्स और बैंक के बीच का जो एक्सपीरियंस है, जो इनकी साठ गांठ है, जो इनके साथ में काम करने का तरीका है, उसे एक तरीके से बूस्ट देने की बात करी है, ताकि साहब एक्सपीरियंस क्या हो जाए दोस्तों, अच्छा हो जाए। नेक्स्ट बात इसकी बात करेंगे तो हेडक्वार्टर्स कैनरा बैंक का है बैंगलोर कर्नाटका के अंदर। अगर हम बात करते हैं ये साहब कैनरा बैंक, चलिए 2114 साल से है यहां पर। इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करेंगे तो TN मनोहरन ये साहब इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर हाल ही के अंदर, अभी यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली हैज लॉन्च द होम लोन स्कीम, अपना घर ड्रीम्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर। देखो अगर बिल्कुल बच्चे इसमें लगाऊंगा मैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही के अंदर अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कुशल श्रमिकों के लिए होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत करी है। देखिए अब समझे इस चीज को, हमारे देश के अंदर, हमारे देश की एक दुविधा क्या होती है मैं तुमको बताता हूं। आज एक न्यूज के अंदर भी एक छोटी सी बात आई, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में दोस्तों दो सेक्टर है, एक है साहब इनफॉर्मल और दूसरा है फॉर्मल। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, गुड मॉर्निंग बच्चे, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, एक जो प्रॉपर सरकार के सिस्टम से जो सेक्टर चलता हो, सरकार के कानूनों के हिसाब से जो सेक्टर चलता हो, मैंने पहले भी बताया है, उस सेक्टर को हम बोलते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, वो सेक्टर जो कि साहब सरकार के एम्बिट या फिर सरकार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो, जैसे हमारे गली नुक्कड़ पे अगर कोई शूज पॉलिश कर रहा है दोस्तों, वो किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करता है। जो हमारे गली नुक्कड़ के बाद में अगर कोई साहब लोहे की दुकान है, तो उसको सरकार से किसी प्रकार से वो सरकार की कोई साझेदारी नहीं होती है उसकी, है ना। तो एक तरीके से सरकार जिसका अस्तित्व सरकार के पास है ही नहीं, जिसे सरकार को पता ही नहीं है कि साहब वो है कि नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर दोस्तों इतना बड़ा है। हम ये देखते हैं कई बार जो चाय की साहब दुकानें होती है, वो 2-2 लाख रुपए पर महीना कमाते हैं दोस्तों, लेकिन आप ये समझे कि साहब वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं पे करते हैं, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर भारत में बहुत बड़ा सेक्टर है। प्रश्न उठता है कि इनफॉर्मल सेक्टर भारत में इतना बड़ा सेक्टर क्यों है, इसका कारण है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन अंग्रेजों के कानून से आज भी आजाद नहीं हुआ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस कानून के ऊपर, उस पर भी हम बकायदा चर्चा करेंगे कि वो कितना अच्छा है, कितना खराब है, क्यों फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या साहब उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, सरकार ने अगर कोई कदम उठाया है तो इसका मतलब क्या है, हम वो भी देखेंगे। तो इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो ये इसलिए पनपा क्योंकि सरकार की जो साहब कानून थे, पॉलिसीज थी, वो चेंज नहीं करी थी। नहीं चेंज करी तो उस वजह से क्या हुआ, नहीं चेंज करी तो उस वजह से बड़े-बड़े कंपनियां थी, वो कम लोगों को साहब रोजगार पर लेती थी, और लेबर लॉज को ना बदलने की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब यहां पर बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, आसान भाषा में बात करें तो वो सेक्टर जहां पर लोग गली नुक्कड़ पर बैठ के काम करते हैं, चाहे वो चाय की टपरी हो, चाहे वो घर के अंदर छोटा मोटा धंधा खोल दिया हो, सिलाई मशीन का धंधा खोल लियो, इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहां पर इन्होंने कौन से बैंक ने ये बात बोली है कि भैया इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन बकायदा उनके पास पैसा तो आ रहा है, तो यहां पर हम उनको क्या देंगे, एक साहब लोन देंगे। उनके पास लिखित में नहीं है कि साहब भैया ये क्या धंधा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन साहब धंधा हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम उस बेसिस पे उनको होम लोन की प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर ICICI होम फाइनेंस ने एक तरीके से नई स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है अपना घर ड्रीम क्रेडिट, और इसके अंदर 2 लाख से 50 लाख के बीच में ये साहब स्किल्ड वर्कर्स, देखो ये हर किसी को नहीं दे रहे, स्किल्ड वर्कर्स, इसका मतलब यह है कारीगर भी दोस्तों अगर जाता है काम करने के लिए तो वो भी घर पैसे लेके आता है, लेकिन क्या सरकार एक तरीके से उसे एम्प्लॉयड मानती है दोस्तों, उसे एम्प्लॉयड नहीं माना जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे, लेकिन वो स्किल्ड है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो यहां पर 2 लाख से 50 लाख के बीच में दिल्ली के अंदर साहब ये एक तरीके से लोन दिया जाएगा घर बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, जैसे उदाहरण देता हूं इसके कई सारे, कारपेंटर खाती हो गया, प्लंबर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, टेलर हो गया, पेंटर हो गया, वेल्डर्स हो गया, है ना, मैकेनिक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मनी ऑपरेशन हो गया, कंप्यूटर मैकेनिक्स हो गए, RO रिपेयर टेक्नीस हो गए, छोटे मोटे बिजनेस हो गए, ग्रोसरी जो छोटे छोटे से आप दुकानें लेके बैठे हैं गली नुक्कड़ के बाद में वो हो गए, ये सारे ही इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, IPL होने वाला है अभी इसी IPL के अंदर साहब, जो IPL अभी मैच होगा ये कौन सा एडिशन है, तो जल्दी से इसमें देखेंगे एडिशन की बात करेंगे, तो ये दोस्तों 13वां एडिशन है IPL का।
अगर इसमें बात करते हैं आईपीएल, इसका फर्स्ट एडिशन कौन से साल में आया था? 2008 में आया था। इसके अंदर कितनी टीमें हैं दोस्तों? 8 टीम है साहब। यहां पर अभी वर्तमान में चैंपियनशिप किसके पास में है? मुंबई इंडियंस के पास में है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिलहाल देखे तो मुंबई इंडियंस है। सबसे ज्यादा रन किसने मारे हैं? विराट कोहली ने। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? लतीश मलिंगा ने। और साहब यहां पर एडिशन कौन सा है? 13th एडिशन है दोस्तों यहां पर आईपीएल। ये बैंक, एसएससी, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे और एयरफोर्स की साहब आप ऐप धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऐप पे ले सकते हैं। चलिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज शुरू होती है। देखो यहां पर ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। सबसे पहली न्यूज क्या बोलती है? ये बोलती है कि साहब अगर कोई छोटा उद्योग है दोस्तों, तो उस उद्योग में अगर 300 के आसपास आदमी है, यानी 300 साहब लोगों का एक तरीके से छोटा उद्योग चलता है, तो वहां पर कोई भी साहब ओनर या फिर साहब उद्योगपति है, वो किसी प्रकार से इंसान को नौकरी से बाहर डाल सकता है और वापस नौकरी में ले सकता है। सरकार का कोई नियम इस पर काम नहीं करेगा। सरकार ऐसा कानून लेके आई है। देखो अगर यहां पर ऐसा किया जाता है तो क्या होगा? यहां पर यह होगा कि साहब कोई भी अगर उद्योगपति किसी भी व्यक्ति को ले सकता है आसानी से और निकाल सकता है। ऐसे तरीके से साहब छोटे मोटे जो क्षेत्र है उनको डर नहीं रहेगा भारत के साहब सरकार के कानूनों का। जब उनको डर नहीं रहेगा तो साहब वो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, बकायदा जीएसटी भरेंगे, बकायदा सब कानून के साथ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनको डर नहीं है किसी प्रकार से सरकार उनको परेशान ना कर दे। ठीक है, किसी भी आदमी को ले सकते हैं, किसी भी आदमी को निकाल सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा हम देख सकते हैं उद्योग के अंदर बढ़ोतरी, छोटे सेक्टर के अंदर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर। अब हमने साहब पहले भी देख रखा है आईएनएस विराट। दोस्तों आईएनएस विराट क्या है? हमने देखा था कि साहब ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एक बहुत पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पहले ब्रिटेन का साहब एयरक्राफ्ट कैरियर था। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा जहाज दोस्तों, जिसके अंदर एक तरीके से बीच में एयरक्राफ्ट पड़े रहते हैं और वो बाद में साहब वहां पर, अगर मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर, तो बकायदा इसी साहब बड़े जहाज को हम साउथ चाइना सी में ले जाएं तो हमारे सारे जहाजों को, जितने भी प्लेन है, वो साहब उधर से टेक ऑफ कर सकते हैं, उधर से लैंड कर सकते हैं, उधर लैंड कर सकते हैं, उधर से तेल भर सकते हैं। उसके अंदर ऐप में क्लास नहीं आ रही है, हो सकता है बच्चे थोड़ी बहुत दिक्कत हो ऐप के अंदर, थोड़ा सब्र रखें और साहब धाकड़ कॉन्सेप्ट के जो हेल्पलाइन नंबर है उसे फोन कर ले, बात कर ले, वो आपको गाइड कर देंगे, आपकी मदद कर देंगे। चलिए अब यहां पर देखेंगे लाइव क्लास आने में टाइम लगेगा बच्चे। ठीक है, अगर मैं देखता हूं इसके अंदर बड़ा अगर कोई जहाज है तो एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर जहाज बढ़िया टेक ऑफ कर सकता है। दिखती सी बात है, जहां पर साहब आपका देश नहीं है वहां पर हो सकता है दूसरा देश आपको रनवे दे ना दे, दूसरा देश आपको जमीन दे ना दे, लेकिन एक बड़े जहाज के अंदर आप उसका रनवे, उस जहाज से हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, उसके अंदर साहब वापस हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं, तेल भर सकते हैं, उसके अंदर साहब बम भी अपने अंदर डाल सकते हैं। तो यहां पर ये जो सबसे पुराना हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये अभी हाल ही के अंदर क्या हो जाएगा, ये अपनी लास्ट जर्नी कर रहा है, अपना अंतिम सफर कर रहा है। इसके बाद में ऐसा कहा जा रहा था इसे म्यूजियम में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हाल ही के अंदर इसके टुकड़े अलग अलग करके अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इसे बांट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नाम है आईएनएस विराट। नेक्स्ट, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज क्या है? हमने देखा था कि साहब हमने एक समझौता कर रखा था, एक ट्रीटी कर रखी थी दोस्तों, दो देशों के साथ में ट्रीटी कर रखी थी दोस्तों। एक देश का नाम था बांग्लादेश और दूसरे देश का नाम था श्रीलंका। पहले ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या फिर साहब निर्यात संबंधित साहब पहले ही ट्रीटीज हो जाती है, पहले ही समझौते हो जाते हैं कि इस फसल के अंदर भैया इतना साहब हमारे यहां पर प्याज होता है, ये आप हमसे खरीद लो, तो पहले ही समझौते हो जाते हैं। तो यहां पर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के साथ में समझौता कर रखा था, लेकिन होता क्या है दोस्तों? होता यह है, कई बार ऐसा होता है कि हिंदुस्तान में क्योंकि प्राइस जो या फिर जो भाव है अनियन या फिर साहब मैं बात करूंगा प्याज के, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब ये साहब प्याज बढ़ जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है, हमारी सरकार क्या करती है, इसका जो एक्सपोर्ट है अनियन या फिर साहब प्याज का जो एक्सपोर्ट है, इस पर प्रतिबंध लगा देती है और प्याज दूसरे देशों में नहीं जाता है, जिस वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो साहब प्याज की जो प्राइस है वो एक तरीके से क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है, बढ़ती नहीं है। तो हिंदुस्तान की कंज्यूमर को इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यहां पर बांग्लादेश ने इस पर बहुत ही रोष जताया, इसने बोला भैया आपने जब प्रॉमिस किया, आपने हमारे साथ में ट्रीटी किया, हमारे साथ में संधि करी है, आप इसे तोड़ नहीं सकते, आपको हमको बकायदा साहब ये प्याज देना पड़ेगा। तो अभी सरकार, हमने कल या परसों की क्लास में देखा था किस प्रकार ने हिंदुस्तान की सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी थी, यहां पर उसी रोक को साहब हिंदुस्तान की सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के साहब एक प्रतिरोध के बाद में वापस ऑन कर दिया है। यहां पर अब हिंदुस्तान अलाउ करेगा एक्सपोर्ट ऑनियन का किसको? बांग्लादेश को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। ये यहां पर एक लेडी है, एक बहुत बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट आइकन है ये, हालांकि इनकी डेथ होगी इतने इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहां पर देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है।
सबसे पहली न्यूज दोस्तों क्या है, 60 इयर्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, यानी अगर मैं बात करता हूं कि साहब हमारे देश के अंदर कुछ नदियां निकलती हैं, इन नदियों में बात करेंगे, सबसे पहली नदी है सिंधु, और ये जो सिंधु या फिर इंडस रिवर है इसमें कई सारी पांच नदियां निकलती हैं, जैसे कि साहब नहीं आ रही है, बच्चे टाइम लगेगा ऐप में क्लासेस आने में। अब देखो क्या है, सिंधु नदी के अंदर साहब रवि, बैंस, ये जो चार पांच नदियां हैं ये बकायदा यहां से पाकिस्तान में जाती है दोस्तों, सतलज, बैंस और ये सारी। अब होता क्या है, क्योंकि ये इतनी सारी नदियां एक तरीके से सतलज में जाती है और वो आगे जाके नदी के अंदर मिक्स हो जाती है, पाकिस्तान की कराची के पास में यहां पर समुद्र में मिक्स हो जाती है। हमारे पास में ये है कि साहब हम इन नदियों का साहब पानी रोक सकते हैं, पाकिस्तान को दे ही नहीं दे, पूर्ण रूप से हम पर निर्भर करता है। जब पाकिस्तान में 1971 में हमारे साथ में युद्ध किया था, तब बकायदा हमने सतलज के अंदर थोड़ा सा पानी डेविएट कर दिया था, उधर से पानी ले लिया जबरदस्ती और हमारे यहां पर साहब बीकानेर के क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल बना के उसे पानी को लेके आ गया, और वही पानी बाद में है, ये हमारे जोधपुर में भी आया जिसका नाम था इंदिरा गांधी कैनाल, कायनाडा लेक में, झील में उसका पानी आता है। तो ये हम चीज देख सकते हैं कि ऐसा होता है। ये जो ट्रीटी है हाल ही के अंदर साहब, जो संधि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संधि हो रखी है, जिसके हिसाब से भैया इतना प्रतिशत पानी पाकिस्तान के पास जाएगा और इतना प्रतिशत पानी हिंदुस्तान के पास जाएगा, इसे लगभग कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं दोस्तों, 60 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं अगर तो। ये बस इसमें एक न्यूज थी। नेक्स्ट है, अब यहां पर अगला है, ये एक महत्वपूर्ण है, कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स ओरिजिन विल कम, ठीक है, ये एक नया है, स्टेक होल्डर्स गिवन, ठीक है, ये चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब ये अगली है न्यूज है, फ्री इंटरनेट गैजेट, चलिए अब यहां पर दिल्ली की सरकार, देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब हम अगर बात 80% पाकिस्तान को देते हैं, बिल्कुल बच्चे 20% अपने पास आता है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि साहब ये एक नई न्यूज है, फ्री इंटरनेट गैजेट एंड पैकेज टू पुअर स्टूडेंट्स। हाल ही के अंदर देखो हमारे, हमने बोल तो दिया कि कोरोना काल के अंदर भैया हम क्या करेंगे, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों समझो कोरोना काल में आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हो, एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है, क्या सरकारी बच्चे, एक हमको प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन क्या सरकारी बच्चे साहब लैपटॉप्स और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साहब अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उनके पास इतना पैसा है, ऐसे फोन है गरीब बच्चों के पास में जिससे वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं चाहे सरकारी स्कूल की हो। तो यहां पर, और हो सकता है साहब कोई निजी स्कूल में भी पढ़ता हो, जरूरी नहीं है दोस्तों उसके पास फोन हो, जरूरी नहीं है दोस्तों उसके पास लैपटॉप हो। तो यहां पर ये जो साहब हाल ही के अंदर स्कीम आई है, इसका नाम है फ्री इंटरनेट गैजेट एंड पैकेज टू पुअर स्टूडेंट्स। इस स्कीम के तहत हमारी जो सबसे पहली प्रश्न ये बनता है, अच्छा प्रश्न है कि साहब ये स्कीम किसने लॉन्च करी है, ये स्कीम लॉन्च करी है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने यह बोला है कि साहब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको फ्री स्कीम देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट हैज डायरेक्टेड बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली टू प्रोवाइड गैजेट्स टू फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी साहब आपको साहब सरकार जो है उसके अंदर ये फ्री के अंदर क्या करेगी, गुड नाइट, चलिए सरकार फ्री के अंदर क्या करेगी दोस्तों, एक तरीके से जो गरीब स्टूडेंट्स है सरकारी स्कूलों के अंदर और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो गरीब स्टूडेंट्स है उनको फ्री फोकट के अंदर लैपटॉप और फोन उनको देने पड़ेंगे, नहीं तो वो दोस्तों पढ़ेंगे कैसे। चलिए तो ये एक तरीके से न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वर्ल्ड बैम्बू डे। अब देखो वर्ल्ड बैम्बू डे की बात हो रही है, देखो यानी विश्व बांस दिवस, तो सबसे पहले दोस्तों आता कब है, अगर इसकी न्यूज देखते हैं तो सबसे पहले जो बैम्बू दिवस है ये 18 तारीख को आता है, 18 सितंबर को साहब ये वर्ल्ड बैम्बू डे आता है। अब साहब यहां पर ये बैम्बू की बात करेंगे या बांस की बात करेंगे, तो ये वर्ल्ड बैम्बू डे या फिर वर्ल्ड बैम्बू जो दिवस है ये 18 सितंबर को आता है, इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। देखो वर्ल्ड बैम्बू डे की बात करेंगे जो 18 सितंबर को है, इसकी यह खास बात है दोस्तों के साहब यहां पर कई सारे दूसरी चीजें जो होती है, लकड़ी का एक ऑल्टरनेटिव है बच्चों बांस। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, कई सारी ऐसी जगह होती है जहां पर लकड़ियां बहुत महंगी पड़ती है और बांस से या फिर बैम्बू से वही काम बहुत ज्यादा सस्ते में हो जाता है। और वर्ल्ड के अंदर अगर प्रश्न बढ़ता है तो सबसे ज्यादा बैम्बू का अगर निर्यात या फिर एक्सपोर्ट करता है वो चाइना करता है। हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम अगर बैम्बू या फिर साहब अगर बांस कहीं पर पैदा होता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या फिर भारत का साहब पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर बैम्बू या फिर बांस बहुत ज्यादा पैदा होता है और वहीं से पूरे विश्व के अंदर एक्सपोर्ट भी होता है। और यहां पर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने भी बहुत ज्यादा बैम्बू के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करी, ठीक है। चलिए बैम्बू के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि साहब यहां पर इसके लगभग साहब 1500 अलग अलग तरीके से हम बैम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आदिवासियों का हरा सोना, बिल्कुल बच्चे आदिवासियों का हरा सोना, हम बैम्बू या फिर बांस का इस्तेमाल 1500 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि इसके कितने ज्यादा साहब यूजेस हैं। इसको साहब एक तरीके से वुड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, देखो हैंडीक्राफ्ट और पेपर, यानी साहब देखो आप इसे हैंडीक्राफ्ट का आइटम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे आप बाद में विश्व
में दूसरी जगह पर बेचते हैं। दूसरा, हम इसका इस्तेमाल वुड या फिर साहब एक तरीके से लकड़ी के रूप में भी इसका साहब बैंबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखो बांस का उगना तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मात्रा में उग जाता है, लकड़ियां होती है वो कंपेरेटिवली तुलनात्मक तरीके से महंगी होती है जलाने में। दूसरी बात करते हैं ऐसा कंस्ट्रक्शन, कई सारे गांवों के अंदर ऐसा होता है कि कई बार कंस्ट्रक्शन का साहब अगर मान लो कोई घर भी बनाना है तो वो लकड़ी या फिर अगर ईंट का साहब घर नहीं बना सकते हैं, वो बैंबू या फिर बांस का घर बना लेते हैं। ट्राइबल लोग कई बार ये कोशिश करते हैं कि साहब बांस के घर बनाए जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन में भी इसका काम आता है। धन्यवाद बच्चे। एडवांस्ड बेनिफिट्स देखो यहां पर, अगर आप किसी जगह पर बैंबू के पेड़ लगाते हैं या फिर बैंबू का प्लांट लगाते हैं तो वहां पर साहब अगर आप जिस भी जगह पर लगाएंगे, अगर वो एक तरीके से किसी दलदली क्षेत्र है या फिर अगर वहां पर पानी ज्यादा इकट्ठा हो रखा है तो एक तो वो जमीन के अंदर जितनी भी मिट्टी है उसके इरोजन को रोकेगी। दोस्तों इरोजन क्या होता है, देखो सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है जब वो पानी के साथ बह जाती है दोस्तों, तब वहां पर उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, आपने साहब यहां पर एमपी का क्षेत्र देखा होगा जिसे अपन कहते हैं बीहड़ और बागी वाला क्षेत्र देखा होगा, चंबल के आसपास वाला क्षेत्र देखा होगा, वहां पर देखा होगा पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा बंजर है, वो किसी काम का नहीं है। तो ये कारण क्या है, पूरा बीहड़ का क्षेत्र किसी काम का क्यों नहीं है, क्योंकि साहब पानी तो वहां पर है लेकिन वहां पर चीजें क्यों नहीं उगती है, वहां पर साहब उत्पादन क्यों नहीं होता है। बीहड़ के क्षेत्र में होता क्या है दोस्तों, जो चंबल है वो साहब कई सारी मिट्टी जो ऊपर की परत है वो लेके चलेगी। हमेशा ध्यान रखना मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है सिर्फ वही उपजाऊ होती है, नीचे की मिट्टी किसी प्रकार से उपजाऊ नहीं होती है। और जब चंबल की खास बात है कि साहब पानी ने ऊपर की परत पूरी लेके चलेगी जिस वजह से नीचे की जो परत है मिट्टी की वो उपजाऊ नहीं है, इसलिए वहां पर कुछ भी उगता नहीं है। ये खास बात है यहां पर। बिल्कुल बच्चे रोज 9 बजे ऑनलाइन क्लास होती है। अब यहां पर इसकी बात करते हैं तो बैंबू के अंदर अगर साहब हम वहां पर मिट्टी को रोकना चाहते हैं, उसके सॉइल इरोजन को रोकना चाहते हैं, अच्छी मिट्टी को बचाना चाहते हैं और वहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है तो वहां पर बैंबू उगाने से साहब ये चीजें भी खत्म हो सकती है। हेलो बच्चे, अब यहां पर बात करते हैं जो बैंबू पेड़ होते हैं, हमें ये देखा है कि साहब पेड़ एक तरीके से क्या करते हैं, ऑक्सीजन या फिर जो ऑक्सीजन होती है जिसे हम सांस लेने में जरूरी होता है वो साहब एक तरीके से पेड़ ही हमको पैदा करके देते हैं। लेकिन बैंबू या फिर बांस की बात करेंगे तो साहब 35% ज्यादा ऑक्सीजन या फिर 35% ज्यादा ऑक्सीजन पैदा कौन करता है साहब, यहां पर बैंबू के पेड़ 35% दूसरे देश दूसरे साहब पेड़ों से कंपेरिजन या फिर तुलनात्मक तरीके से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये एक और इसका यूज। अब यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर ऐसा भी कहा गया है कि कोरोना वायरस को रोकने में भी ऐसी दवाई बन सकती है जिसका साहब एक तरीके से निर्माण हम किससे कर सकते हैं, बांस से कर सकते हैं। अगर एक और बात बताऊं साहब, कोरोना देखो बांस के अंदर कुछ ऐसे फल भी निकलते हैं साहब जिससे जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। आपको भी ये पता है कि दुनिया के अंदर अभी सभी लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का ज्यादा ये सेवन कर रहे हैं। अब यहां पर वेज प्रोटीन जो साहब हम कहते हैं साहब एक तरीके से मांस से ना आकर और साहब वेज तरीके से जो प्रोटीन आता है, बैंबू से भी वैसा दोस्तों प्रोटीन निकलता है। तो खाने के अंदर भी हम एक तरीके से जो ट्राइबल लोग हैं इन्हें सब खाने के लिए अगर सही चीजें ना मिले तो बैंबू के फल या फिर साहब जो बांस का जो फल है उसका भी साहब उपयोग कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कितने सारे साहब एक तरीके से उपयोग हम बैंबू से ले सकते हैं, ये खास बात है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर। अब ये एक बहुत छोटी छोटी सी न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। हाल ही के अंदर हमें ये पता लगा है हमारा जो पानी का स्तर है, देखो जो पानी होता है ग्राउंड वाटर, हम आज भी साहब जो कुएं से पानी निकालते हैं इसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है, जमीन का पानी कहा जाता है। जमीन की पानी की ये खास बात हो रखी है दोस्तों कि इसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है और क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो गई है तो साहब वहां पर जो भी पानी पीने का होता है कई बार जमीन के अंदर से निकलता है वो पीने लायक नहीं होता। यहां पर एक नई स्टडी ने यह बताया है कि साहब पिछली बार अगर मान 100% क्षेत्र था तो वो बढ़ के 145% क्षेत्र हिंदुस्तान के अंदर वो क्षेत्र हो चुका है जहां पर फ्लोराइड या फिर साहब केमिकल या फिर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ चुकी है। ठीक है, धन्यवाद बच्चे, झुंझुनू से बच्चे धन्यवाद। चलिए, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ चुकी है। अब हम बात करते हैं साहब ये फ्लोराइड की क्या खास बात होती है। अगर आप ज्यादा फ्लोराइड लेते हो तो साहब यहां पर इससे कई सारी आपको फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है, आपके दांतों में दिक्कत हो सकती है, आपकी हड्डियां गल सकती है, आपकी हड्डियां टेढ़ी हो सकती है दोस्तों। तो जहां पर भी जिस जगह में ज्यादा फ्लोराइड होता है इसके भी अपने नुकसान होते हैं और भारत में वो क्षेत्र बढ़ चुके हैं जहां पर पानी के अंदर केमिकल या फिर फ्लोराइड ज्यादा पाए जाते हैं। ब्राइटनेस कम करो सर, सही दिख नहीं रहा। चलिए बच्चे ब्राइटनेस कम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे इसके अंदर। देखो यहां पर अभी हाल ही के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसके अंदर क्या हुआ है, सरकार ने ये स्कीम लेके कब आए थे दोस्तों, इस स्कीम की बात करते हैं तो 25 दिसंबर 2000 में लेके आए थे। लेकिन इस स्कीम के अंदर कितना हमने इस योजना को इंप्लीमेंट किया है, कितना इस योजना के फायदे निकले और कितना इसका नुकसान हुआ है, कितना पैसा लगा
इसकी पूरी की पूरी जो बायोडेटा है ये साहब सरकार ने केंद्र अभी यहां पर संसद के अंदर रख दिया है। तो अभी इस पूरी एक तरीके से पूरी योजना का अनुमोलन होगा कि यहां पर इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसकी जो एक तरीके स्कीम की कोशिश थी कि कितने क्षेत्र के द्वारा, देखो आमतौर पर अगर मैं बात करूं कि स्कीम किससे संबंध रखती है, ये गांव में जो हमारी सड़कें बनती है उससे संबंध रखती है। सिंपल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम ही है ग्राम सड़क योजना। तो रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण एरिया के अंदर सड़क बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। तो यहां पर सन 2000 में जो इस योजना की शुरुआत की गई थी, इसका फायदा कितना हुआ है, इसकी रिपोर्ट अभी संसद में पेश की गई है। सिंपल आपसे ये पूछ लेंगे साहब कि यहां पर ये निम्नलिखित में से स्कीम किससे संबंध रखती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से दोस्तों इसी स्कीम संबंध रखती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर ये देखो, ये चलो, ये नेक्स्ट, ये चलिए अब नेक्स्ट है वैभव समिट। ये वैभव समिट दोस्तों क्या है, ये वैभव समिट होगी दोस्तों 2 अक्टूबर को 2020 के अंदर। ये वैभव समिट किससे संबंध रखती है, वैभव समिट की बात करेंगे तो ये एक तरीके से इनॉग्रेट 2 अक्टूबर 2020 के अंदर जो हमारे महात्मा गांधी है इनके जन्मदिन के ऊपर साहब ये समिट रख रखी है। अगर मैं बात करता हूं इसकी क्या खास बात है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वैभव समिट के द्वारा हिंदुस्तान के जितने भी दोस्तों वैज्ञानिक है, वो विश्व भर के जितने भी दूसरे वैज्ञानिक है उनके साथ में एक तरीके से वार्तालाप करेंगे, कंप्यूटर पे मीटिंग करेंगे। जब ये कंप्यूटर पे मीटिंग होगी तो नो डाउट हमारे साथ वैज्ञानिकों को, विश्व के जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, देखो जिसमें ज्ञान होता है दोस्तों बहुत ज्यादा, वो कई बार ज्ञान के साथ में डिस्कशन करना पसंद करता है। तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों को वर्ल्ड ओवर जो वैज्ञानिक क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या उनका काम चल रहा है इनोवेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम चल रहा है, उसके अंदर साहब उनको और जानने में मदद मिलेगी। और विश्व के जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उनको यह पता लगेगा हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी के अंदर विस्तार हो रहा है। तो ये सबमिट एक तरीके से किससे संबंध रखती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और दूसरी टेक्नोलॉजी से आप हिंदुस्तान में क्या डेवलप हो रही है उससे संबंध रख रही है। प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि साहब वैभव सबमिट निम्नलिखित में से कौन से दिन आयोजन किया जाएगा, महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर 2 अक्टूबर के अंदर इसको साहब आयोजन किया जाएगा, इसका इस सबमिट के ऊपर आयोजन होगा। और यहां पर ये वैभव सबमिट आयोजन होगा और एक तरीके से दूसरे देशों से ये क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स वगैरह होती है इसके ऊपर क्या शोध हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या मामला चल रहा है, इसके ऊपर ये डिबेट होगी। अगर मैं बात करता हूं अब ये नेक्स्ट न्यूज क्या है यहां पर, ये चलिए ठीक है, चलिए इसके सारे काम है ठीक है, डीआरडीओ वगैरह सब होंगे इस मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हिंदुस्तान के अंदर, अगर मैं बात करता हूं तो हिंदुस्तान के अंदर साहब 8 बीचेस। अब देखो हिंदुस्तान के अंदर कुल 8 बीच है जो साहब किसकी सूची के अंदर है दोस्तों, यहां पर ये बीच रिकमेंडेड इन ब्लू फ्लैग। देखो ये ब्लू फ्लैग क्या होता है, ब्लू फ्लैग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है नीला ध्वज नहीं है दोस्तों, ब्लू फ्लैग का मतलब ही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी सबसे साफ और सबसे अच्छे बीच होते हैं, आपने बीच तो देखे ही होंगे साहब, तो सबसे अच्छे बीच जो होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उन्हें साहब एक तरीके से एक समिति होती है, एक संस्थान है जो उनका सही आकलन करता है, और वो जो संस्थान सही आकलन करता है इसे अपन बोलते हैं ब्लू फ्लैग। साफ नहीं हो रहा है तो ब्लू फ्लैग करके जो संस्थान है ये क्या करता है, ब्लू फ्लैग करके संस्थान है ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बताता है कि साहब बड़े और अच्छे साहब एक तरीके से ये बीच कौन से, ब्लू फ्लैग जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है इसमें भारत के कुल 8 बीच आए हैं दोस्तों जो कि सबसे अच्छे माने गए हैं ठीक है, ये खास बात है। अब वैसा ही जिस तरीके से आप ब्लू फ्लैग विश्व के लिए साहब एक संस्थान है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग जो ये बताता है कि साहब सबसे अच्छे और सबसे बड़े बीच कौन से हैं, वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर अगर साहब एक संस्थान, देखो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चे कि साहब हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा संस्थान है जो साहब एक तरीके से बीचेस के ऊपर ध्यान रखता है कि साहब हिंदुस्तान में ये वाले बीचेस या ये वाले फलाने बीचेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। प्रणाम बच्चे, तो यहां पर बीम्स करके एक तरीके से संस्थान है जो ये देखेगा कि हिंदुस्तान में मुख्य रूप से बीचेस कौन से महत्वपूर्ण है वर्ल्ड के अंदर, साहब कौन सा है ब्लू बीच। हिंदुस्तान के कुल कितने बीच आए हैं, सब 8 बीच आए हैं ठीक है, सब देखता है कि पोल्यूशन के हिसाब से कैसा क्या है सब ये बताता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब ये एक नया प्रोग्राम है इसका नाम है किसान प्रोग्राम। अब देखो ये किसान बायोटेक प्रोग्राम किससे संबंध रखता है, देखो हमें भी पता है कि साहब आप आज भी अगर कोई सब्जी का पौधा भी उगाते हैं, कोई नॉर्मल अगर फसल भी उगाते हैं तो उसमें उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन जब उसमें दवाइयां डाली जाती है, दूसरी तीसरी दवाइयां डाली जाती है तो उसमें उत्पादन में वृद्धि होती है। और हमारी जनसंख्या इतनी है कि साहब अगर हम टेक्नोलॉजी का सहारा ना लें तो ये भी हो सकता है कि एक तरीके से हम सब लोगों का साथ में इंपॉर्टेंट डेज भी याद करा सकते हैं। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, तो एक तरीके से यहां पर लोगों का पेट भरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर क्या किया है, बायोटेक किसान प्रोग्राम एक तरीके से लॉन्च किया गया है जो एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी जो साहब यहां पर खाने के क्षेत्र के अंदर जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है इससे संबंधित है। तो सीधा एक यहां पर हमारे आसान प्रश्न क्या है कि साहब निम्नलिखित में से किसान प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो दोस्तों किससे संबंधित है, खाद्यान्न वस्तुओं के अंदर या फिर फूड सिक्योरिटी से संबंधित, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। खाने पीने की वस्तुओं के अंदर किस तरीके से हम और टेक्नोलॉजी के लिए एडवांसमेंट कर सकें कि हम एक भी
बीज डालें और सब 101 तरीके से अनाज निकले, ये हम कर सकें, इसकी कोशिश की जा रही है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों? किसान प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, इतना इसके अंदर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर अगला। अब ये अगला एक महत्वपूर्ण सा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। देखो ये राष्ट्रीय उद्यान, देखो मैं कोशिश करता हूं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, राष्ट्रीय उद्यान है, इस सबको बार बार रिपीटेड तरीके से आपको पढ़ाता रहूं ताकि आपको याद रहे। तो यहां पर ये नंदकनन सब जियोलॉजिकल पार्क है उड़ीसा के अंदर। तो यहां पर हमको समझना पड़ेगा कौन सा सब जियोलॉजिकल पार्क है, नंदकनन किधर है? उड़ीसा के अंदर। न्यूज में क्यों है दोस्तों? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहां पर अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हिमालयन ब्लैक बियर है, यानी साहब एक बालू है जो साहब हिमालय में पाया जाता है, वो मृत पाया गया है, वो वहां पर मर गया है। ठीक है, तो यहां पर अभी इसको पता नहीं लग रहा कि वो कहां गायब हुआ। ये अच्छा, ये जो नंदकनन जियोलॉजिकल पार्क है, ये साहब एक तरीके से किधर है? भुवनेश्वर के पास में। इसकी स्थापना कौन से सन में की गई थी दोस्तों? 1960 के अंदर की गई थी। इसकी क्या खास बात है? ये जो एक तरीके संस्थान है जिसका नाम है बच्चे वाडा, एक संस्थान है जिसका नाम है वाडा, जिसका अगर फुल फॉर्म बताऊं तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, ये साहब संस्थान का नाम है वाडा, वाजा, सॉरी VAZA, वाजा। अब यहां पर ये संस्थान का अगर हिंदुस्तान के अंदर पहला अगर कोई मेंबर था दोस्तों, तो वो यही था, जियोलॉजिकल पार्क ही था। ठीक है, वाजा हिंदुस्तान का सबसे पहला इसका मेंबर बना था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और स्कीम लॉन्च की गई सरकार के द्वारा। इस स्कीम का नाम है दोस्तों समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम की बात करते हैं, सीधा आसान प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि साहब टेक्सटाइल्स के अंदर पहली साहब ये महत्वपूर्ण, ये समर्थ निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है? हमें ये पता है कि साहब यहां पर स्टैटिक विद करण जी के, देखो हमें ये पता है, बिल्कुल बच्चे, तो हमें ये पता है कि बांग्लादेश के अंदर साहब बहुत ज्यादा कपड़े का उद्योग क्यों पनप रहा है? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर साहब जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जो हमारा कपड़ा बनता है या टेक्सटाइल बनता है इसमें लेबर या फिर साहब जो लोग हैं लेबर का बहुत काम लगता है। जहां पर दोस्तों लेबर महंगी होगी, जहां पर कपड़ा नहीं दोस्तों, जहां पर लेबर या फिर इसको कपड़े को बनाने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे, वहां पर उस क्षेत्र के अंदर क्या होगा कि साहब वो कपड़ा बहुत ज्यादा महंगा होगा, है ना? लेबर महंगी है तो कपड़ा भी महंगा होगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या किया गया है, ये जो साहब एक तरीके स्कीम लॉन्च की गई है जिसके तहत जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है वो कम साहब पैसे में काम भी कर देंगे और कपड़ा भी सस्ता बनेगा, जिस वजह से हिंदुस्तान का कपड़ा विश्व भर में बिकेगा। आसान बात यह है। अगर मैं बात करूं तो समर्थ स्कीम किससे संबंधित है? जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा कि आप कपड़ा किस तरीके से बनाएं, और जब वो कपड़ा सीख जाएंगे तो हम कपड़े का बहुत ही कम दाम के अंदर विश्व भर में निर्यात करेंगे, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आसान भाषा में ये समर्थ स्कीम किससे संबंधित दोस्तों? टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित है। चलिए ये एक प्रश्न हो गया। चलिए अब देखो यहां पर एक बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं दोस्तों के साथ फार्म बिल अभी आया है। फार्म बिल ये क्या है दोस्तों? अगर मैं बात करूं तो फार्म बिल जो आया है अभी हाल ही के अंदर सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न उठ रहे हैं, ये क्यों आया, ये फार्म बिल अच्छा है कि खराब है? अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कितने, देखो फार्म बिल के अंदर हम बात करते हैं तो तीन प्रकार के संशोधन है, मैं इसके बारे में लास्ट में डिस्कस कर लेता हूं। फार्म बिल जो है वो इसके अंदर तीन प्रकार के संशोधन है, तीन कानून है उसके अंदर संशोधन किए गए। अगर इस फार्म बिल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखो सबसे पहली बात यह है कि सरकार ने कुछ चीजों की शुरुआत की है। जैसे सरकार ने ये बोला है कि आप क्या कर सकते हो, कोल्ड स्टोरेज कर सकते हो। दोस्तों कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? आप अगर किसी प्रकार से अगर कोई किसान हो, आप अगर किसान हो किसी चीज का उत्पादन करते हो, उत्पादन अगर करते हो तो हो सकता है आप अगर सामान पैदा कर रहे हो भविष्य में आपके पास पैसा हो ना हो, है ना? तो आपको अगर मान लो ऐसा हो कि भविष्य के अंदर इस चीज की प्राइस बढ़े तो आप अपने सामान को स्टोर करना चाहते हो। अगर कोई ऐसा सामान है जो खराब ना हो उसे आप स्टोर करो तो बकायदा स्टोर हो सकता है, लेकिन ऐसा अगर कोई सामान है जो खराब हो सकता है तो उसके लिए आपको बड़ा फ्रिज चाहिए। अब आप साहब उस फ्रिज के अंदर अपना सामान स्टोर करते हो और सरकार क्या बोलती है कि साहब नहीं साहब ये सरकार इस फलानी वस्तु की प्राइस क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। जैसे प्याज है, प्याज की प्राइस बढ़ रही है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कर दिया साहब उसके एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दिया। बांग्लादेश को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या क्या खाती है, प्याज खाती है, और यहां पर उसको हम नाराज नहीं कर सकते, जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं। तो अब फार्मर किसान जो है उसका प्याज जो 20 रुपए किलो बिक सकता था वो कितना बिका, 10 रुपए किलो ही बिक रहा है, क्योंकि मार्केट में तो इसकी प्याज की प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर सबसे पहली चीज ये कर दी जाएगी, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी कर दी जाएगी, जिसके हिसाब से अगर कोई किसान अपना सामान खराब नहीं करना चाहता उसे किसी, देखो हो सकता है कई बार क्या होता है जो बिचौलिए लोग होते हैं वो क्या करते हैं साहब 10 रुपए किलो प्याज खरीद लेंगे और बाद में देखो किसान को 10 रुपए किलो मिल रहे हैं प्याज के, लेकिन तुम्हारी प्लेट के अंदर जब जैसे ही वो साहब प्याज कट के आता तुमको कितने का मिलता है, 40 रुपए किलो का। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि 10 रुपए का प्याज किसान बेच रहा है और तुमको
उनको 40 रुपए किलो का मिल रहा है। जो बिचौलिए जितने भी है, इन सब बिचौलियों को जो बीज का जो पैसा है 10 रुपए से लेकर 40 रुपए का, ये इस पूरे को खत्म करने की बात करी है। और इस हिसाब से सरकार ने ये बोला है कि जितनी बड़ी कंपनियां, जैसे अगर कोई चिप्स बना रही है, अगर कोई फलानी बर्गर बना रही है, तो वो कंपनियां सीधा किसानों के साथ में टाई अप करेगी, जिससे साहब नो डाउट कंपनियों को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर कंपनियां पहले ही प्राइस खोल देगी, पैसा खोल देगी कि भैया हमको 25 रुपए किलो से फलानी चीज चाहिए या 30 रुपए किलो से फलानी चीज चाहिए। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से क्या होगा कि किसानों को पहले ही पता लग जाएगा 25 रुपए किलो तो भैया मेरे को साहब यहां पर इसके मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मैं इतने क्षेत्र के अंदर इतना माल, इतना पैसा इसमें लगाऊं ताकि आने वाले टाइम में मैं इतना पैसा कमा लूं। साथ साथ के अंदर सरकार ने यह भी किया है कि बिचौलियों को जितना पैसा कमाते थे वो भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सरकार ने यह भी कर दिया कि अब किसान अपना सामान खुद साफ संजो के रखे, होर्डिंग कर सकता है, वो साफ सामान अपना जमा कर सकता है। देखो इस वजह से क्या होगा, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट किसान है वो ज्यादा चीजों का उत्पादन करेंगे, ताकि उनको पता है कि भाई अगर मान लो सामान अगर थोड़ा रह भी गया तो उसे हम कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे, बड़े बड़े फ्रिज में डाल देंगे, जिससे हमारा सामान खराब नहीं होगा। तो बड़े बड़े सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनियां भी सब खेती में निवेश करेगी, जिससे भारत के अंदर चीजों का उत्पादन बढ़ जाएगा और खाने पीने की चीजें ज्यादा उपलब्ध हो जाएगी, ज्यादा सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। और किसान भी क्या कर सकता है, सब अपना जो सामान है इसे स्टोर कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर देखो आसान भाषा में मैं बताऊं तो साहब 1991 के अंदर साहब कई सारे, देखो ये जितने भी जो कानून है दोस्तों सारे अंग्रेजों के टाइम के हैं। अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो माल है वो साहब वो एक तरीके से अच्छा हो, जो सामान है वो अच्छा पैदा हो। तो हिंदुस्तान के अंदर जो कृषि संबंधित सुधार थे वो आज तक नहीं हुए। तो यहां पर देखो जो सुधार किए जा रहे हैं ये किसान क्षेत्र के लिए साहब, ये जितने भी फार्मर्स हैं इनके लिए अच्छे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से आप ये मान लो कि 1991 के जो सुधार किए गए थे नरसिम्हा राव सरकार द्वारा, वो साहब इंडस्ट्री के अंदर या फिर उद्योग के अंदर सुधार किए गए थे। हमारे अभी वर्तमान में जो सुधार किए जा रहे हैं कृषि क्षेत्र के अंदर सरकार द्वारा सुधार किए जा रहे हैं, ये वो कानून है दोस्तों जो हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं बनाए, ये वो कानून है दोस्तों जो अंग्रेजों ने बनाए, उन्हें एक तरीके से सुधारने की बात की जा रही है। ये सेम कांग्रेस चाहे इसका विरोध कर रही हो, लेकिन कांग्रेस ने भी बोला था कि साहब ऐसे सुधार होने चाहिए। अब प्रश्न है कि अगर ये बिल इतना अच्छा है, ये साहब किसानों को साहब फैसिलिटी दे रहा है कोल्ड स्टोरेज करने की, अगर ये किसानों को फैसिलिटी दे रहा है सीधा कंपनियों के साथ में संधि करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, अगर ये बिचौलियों का पैसा खत्म कर रहा है, सोचो कितना होता है, 10 रुपए के प्याज साहब किसान पैदा कर रहा है और 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो इतना सारा जो पैसा है एक तरीके से वही बचे, तो इतना सारा बीज का बिचौलियों का पैसा खर्च हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है साहब ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। देखो यहां पर तुमको एक चीज बताता हूं, इस कानून ने एक और चीज करी है। पहले के समय क्या होता था कि साहब मान लो अगर मेरे गांव की मंडी है तो अगर मैं किसी प्रकार से धान का उत्पादन करता हूं दोस्तों, तो मेरे गांव की मंडी में ही मैं सामान बेच सकता था, मैं पास वाली दूसरी जिले की मंडी में भी नहीं जा सकता था। यानी अगर जोधपुर की मंडी में मैं ये साहब उत्पादन कर रहा हूं किसी चीज का, तो मैं जयपुर की मंडी में ले जाकर दोस्तों अपना सामान नहीं बेच सकता था, मुझे जोधपुर की मंडी में ही अपना सामान बेचना पड़ता था। और यहां पर अगर मंडी वालों को पहले ही पता है कि साहब किसान तो मेरे पास ही आएगा, तो दोस्तों वो क्या सही प्राइस देगा, नहीं। क्या वो सही से एक तरीके से मेरे को हैंडल करेगा, नहीं। ये इस कानून ने एक और चीज ये करी है कि अगर ए यहां पर मंडी में अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो हो सकता है मैं मध्य प्रदेश में अपना सामान बेचूं मंडी में जाके, हो सकता है मैं आंध्र प्रदेश में अपनी मंडी का सामान बेचूं, किसान किसी जगह से किसी भी जगह की मंडी में सामान जाके बेच सकता है, ठीक है। तो यहां पर मंडी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, तो एक तो कारण ये। दूसरा मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो यहां पर पंजाब और हरियाणा के साथ किसान बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो होता क्या है, जब भी किसान अगर अपनी मंडी के अंदर जाके अगर मान लो सामान बेचता है तो उसके ऊपर दोस्तों लगभग 8% का टैक्स लगता है। यानी साहब अगर आपने किसान हो और आप अगर 100% 100 किलो अगर अपना अनाज बेचते हो तो उसके ऊपर 8% टैक्स लगता है। ये टैक्स दोस्तों किसके पास जाता है, ये टैक्स जाता है उस फलानी सरकार को। जैसे अगर मान लो किसान को जरूरी है कि साहब मेरे को तो अपनी मंडी में सामान बेचना पड़ेगा, तो अपनी जिले की मंडी में जाएगा, उसकी जिले की मंडी किधर होगी, अगर पंजाब का किसान है तो पंजाब के अंदर ही साहब वो मंडी होगी, अगर हरियाणा का किसान है तो हरियाणा के अंदर ही उसकी मंडी होगी। अब मैं पंजाब का किसान अगर पंजाब की मंडी में ही जाके बेचूंगा तो 8% सरकार के पास टैक्स जाएगा, पहले तो मंडी के पास टैक्स जाएगा और मंडी से सरकार के पास टैक्स जाएगा। तो यहां पर देखो साहब पंजाब और हरियाणा की सरकार के पास 8-8% करके कितना प्रतिशत टैक्स आता होगा। इसी टैक्स का पैसे का इस्तेमाल करके दोस्तों सरकारें क्या करती है, ये यही सरकारें इसी 8% टैक्स का इस्तेमाल करके, देखो किसान को अपनी ही मंडी में हिसाब अनाज बेचना है वो दूसरी मंडी में नहीं जा सकता। अगर अब किसान पंजाब की मंडी से राजस्थान की मंडी में आकर आके अपना सामान बेचेगा तो एक तरीके से क्योंकि राजस्थान की मंडी में वो सामान बिका है तो टैक्स किसके पास जाएगा, राजस्थान की सरकार को जाएगा। जो पंजाब की मंडी के अंदर जबरदस्ती सामान जा रहा था वो राजस्थान
राजस्थान की मंडी में आ रहा है और पैसा राजस्थान की सरकार को जा रहा है। अब ये जो पैसा फिक्स एक तरीके से पंजाब और हरियाणा की सरकार को जा रहा था, अब वो एक तरीके से इनका पैसा जाना बंद हो जाएगा। देखो इन्हीं पैसों से सरकार क्या करती है, पंजाब और हरियाणा की सरकार क्या करती है, जो पैसा एक्स्ट्रा आता है इसी से उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एक तरीके से पानी की योजना, कैनाल बना देती है, नहरें बना देती है और फ्री बिजली दे देती है, जिससे किसान भी बहुत खुश हो जाता है और सरकारों को भी वोट मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर एक चीज समझो कि सरकार को वोट भी मिल गए और सरकार ने साहब किसानों के पैसों से उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दे दी, तो सरकार का भी काम हो गया और वोट भी फ्री फोकट के मिल गए। यहां पर अगर किसान अपनी मंडी में ही सामान न बेचे, दूसरी मंडियों में जाके सामान बेचेगा, सरकार को 8% टैक्स मिलेगा नहीं, जिस वजह से वहां की साहब सरकार बहुत ज्यादा नाराज है। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक तरीके से सही है, ये एक अच्छा कानून है। अब यहां पर होता ही है, सरकारें प्रोटेस्ट करेगी क्योंकि साहब दिखती सी बात है। यहां पर देखो एक चीज बताता हूं, कांग्रेस भली प्रोटेस्ट कर रही हो दोस्तों, लेकिन कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, 2019 के जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर बकायदा इस कानूनों को लिख रखा था। मैं अगर चाहता तो लाता लेकिन भूल गया, हो सकता है मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, उसमें बकायदा 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताऊंगा, जिसमें दोनों बातें कांग्रेस ने लिख रखी है कि ये फलाने संशोधन होने चाहिए। ये जो कानून है, देखो ये कानून बदले जा रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार के कानून नहीं है दोस्तों, ये अंग्रेजों के समय के कानून है। क्या अंग्रेजों के समय हमको कानून बदलनी चाहिए? क्या आज हिंदुस्तान की परिस्थिति बदल नहीं चुकी? क्या हमको सुधार की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए? क्या हमको रिफॉर्म नहीं करने चाहिए, बकायदा करने चाहिए? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। और भी अगर आपके कोई सुझाव, आपको लगता है कि नहीं सर ये गलत है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताया कि साहब ये क्यों गलत है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से ये पूरा कानून आपको समझा दिया है, आज के लिए इतना काफी है। और भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूज आती है तो बकायदा मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। बिल्कुल बच्चे ये दोनों के अंदर पास हो गया। चलिए आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, अपना प्यार और साहब एक तरीके से इसी तरीके मेरे पे बनाए रखिए। कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछे, धन्यवाद।